shots with me. I'm traveling on fast, I'm clean. I'm from this land, one man done conquered it all. And it stings, but let me say, you'll thank me yet one day. It's the price that we almost paid. Happy Navratri to everyone. आज हम बनाने वाले हैं आलू करी वाली सब्जी। ये व्रत वाले आलू की सब्जी है। ये ज्यादातर नवरात्रे, शिवरात्रि जो भी फास्ट आते हैं उस टाइम पे बनाई जाती है, बट नॉर्मल डेज पे भी आप इसे बना सकते हैं। ये हैंडफुल इंग्रेडिएंट से बनने वाली सिंपल रेसिपी है। मैं ज्यादातर अपनी मम्मी को बनाकर खिलाती थी जब व्रत होता था उनका। आप भी जरूर ट्राई कीजिए, इसमें आपको बिल्कुल भी कुकिंग आने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, डू ट्राई दिस रेसिपी। फटाफट हम शुरू करते हैं इसकी रेसिपी से। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच तेल। अब आ रही एक चम्मच जीरे की, इसको हम तेल में अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे एक इंच अदरक, इसको भी हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये पक जाए। अब हम डालेंगे दो हरी मिर्च, अब बारी है एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में कश्मीरी लाल मिर्च नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे एक टमाटर की प्यूरी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में टमाटर नहीं खाते तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब हम डालेंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार। अब एक चम्मच धनिया पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, इन सब के बिना भी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम डालेंगे तीन उबले हुए आलू, इसको मैंने ऑलरेडी मैश कर लिया है। इसको हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे ताकि आलू के अंदर तक मसाला जाए। अब हम इसको थोड़ा सा और मैश कर देंगे क्योंकि हमारे आलू थोड़े से मोटे हैं तो वो भी थोड़े छोटे छोटे हो जाएं। इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। मसाला आलू के अंदर तक जाना चाहिए, नहीं तो आलू फीके लगते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी को हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसको हम ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट या जब तक बॉईल ना आए। ये हमारा बॉईल आ चुका है। अब हम डालेंगे धनिया और इसको अच्छे से मिला लेंगे। आलू की सब्जी का असल स्वाद कुट्टू की पूरी के साथ ही आता है तो हम वो भी बनाएंगे, और खीरे का रायता भी इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारी आलू की सब्जी तैयार है। अब बारी है खीरे के रायते की। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप दही। एक चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए मसालों के साथ। अब मैं डालूंगी घिसा हुआ खीरा, इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी दही के साथ। और ये हमारा खीरे का रायता तैयार है। अब बारी है कुट्टू की पूरी की। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप कुट्टू का आटा, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, धनिया, 2 उबले हुए आलू। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके बेल लेंगे। कोशिश करें कि पानी कम से कम डालें। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। I...
ये आटा हमारा तैयार है। अब मैं थोड़ा सा आटा लूंगी। उसकी लोई बनाऊंगी अच्छे से राउंड शेप की। कुट्टू का आटा थोड़ा चिपचिपा होता है, इसको हम डिप करते हैं या तो तेल में या फिर आटे में। मैं इसको तेल में डिप कर रही हूँ। अब मैं इसको पूरियों के लिए बेलना शुरू करूंगी। ये आटा काफी चिपचिपा होता है, आप चाहे तो प्लास्टिक की पन्नी ले सकते हैं, उसमें बेल सकते हैं। ये पूरियां हमारी बेल गई हैं। अब मैं इसको डीप फ्राई करूंगी मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमारी पूरियां कितनी अच्छे से फूली हैं। ये इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। ये पूड़ियां हमारी तैयार है। हमारे व्रत वाले आलू की सब्जी तैयार है। इसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसमें कर्ड डाल सकते हैं, बिना उसके भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि ये सात्विक सब्जी है। आप नॉर्मल टाइम में भी इसको बना सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी सब्जी का मजा ले सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द मसाला स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए।